मैं सिर्फ आप लोगों के मीडिया के पास आई हूँ इसीलिए रिक्वेस्ट करके कि कोई मेरा घर तोड़ना चाहता है तो मेरी मदद करो। इस दुनिया में कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान नहीं होगा कि उसकी माँ को मर के दफना के 4 दिन हो गए हैं और ये अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। क्योंकि मैं कितना रोई होगी जब मेरी माँ हॉस्पिटल, आप लोग को इतना भी नहीं याद है जब मैं हॉस्पिटल में वहाँ से जाते आप लोग वहाँ पे आए थे तो मैं जब रो रही थी तो क्यों रो रही थी मैंने नहीं बताया कि मेरे पे क्या गुजर रही, मैं आप लोगों को नहीं बताती। आज मेरी माँ का इंतकाल हो गया तभी मैंने आप लोगों को बताई कि क्यों आदिल मेरे शादी के लिए डिनाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। और वो देश की जनता जो है मुझ पर मजाक उड़ा रही है, मेरा मेरा मजाक, मेरा ड्रामा है, मेरा ड्रामा है। राखी जी आपको थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज, थोड़ा सा थोड़ा दूर हो जाइए, आप थोड़ा पीछे हो प्लीज, थोड़ा सा ये मेरा अलग घरेलू मामला, आप लोग हट जाओ। राखी जी आपको ऐसा क्यों लगता है और ऐसा ही क्यों लगता है कि सच में काफी सारी मीडिया उनको कॉल कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कि डिनाई भी हो सकता है अगर वो स्पेशली मैंने जो आप लोगों के कल पैर पकड़ के बोला था कि मैंने उसको बनाया उसको आप लोग पब्लिसिटी मत दीजिए, तो आप लोगों ने वो भी डाल दिया। वो मेरे पे हंस रहा था कि तुम मजाक बन गई हो एक देश की, तुम पूरी देश तुम पर हंस रही है, हंसो मुझ पर, मैं आज दुखी आ रही हूँ, मुझ पर हंसो। जो मुझ पर हंसता है ना तुम्हारे घर में भी बहू बेटी है, खुदा तुम पर हंसेगा। मेरी आंखें मेरा फेस दिख नहीं रहा सूजा हुआ इतना रोके, किसके सामने रोऊं मैं, किसके पास न्याय मांगू, किसके पास। आदिल हंसता है मुझ पर, कहता मैं तो हीरो बन गया हूं, तुम जोकर हो, मैं जोकर हूं। खुदा मैं बार बार ईश्वर को परमेश्वर को सामने बीच में लाती हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मीडिया की तरफ से कोई थोड़ा सा दूर हटे ना प्लीज, थोड़ा सा दूर हटिए प्लीज। राखी जी पर आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप लोग मत आइए मेरे पीछे। दुनिया को लगता है कि मैं मीडिया में क्यों आती हूँ, इसीलिए आती हूँ कि मैं मीडिया के पास नहीं जाऊँ तो क्या मैं कोर्ट में जाके बैठूँ, मैं कोर्ट में छोटी छोटी चीज के लिए। जब मेरी शादी का मैंने वायरल किया मीडिया के पास आई, मीडिया ने न्याय दिलाया, देश ने न्याय दिलाया, आदिल डर के मारे शादी कबूल किया ना, नहीं किया उसने। वो लड़की ना, वो लड़की का कल मैसेज भी आया वीडियो कॉल, आदिल इनकार कर रहा है तुम्हारे से शादी। वो लड़की कह रही है कि आदिल मुझे कह रहा है कि तुम उसकी बीवी ही नहीं हो। मैंने कहा पूरे देश को जाके पूछो निकाह किया कोर्ट मैरिज किया। वो मुस्लिम समाज को जो निकाह किया उसको ठुकरा नहीं सकता आदिल, आप कोर्ट मैरिज किया उसको ठुकरा नहीं सकते आदिल।